तो इस वीडियो में जानेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस क्या होता है। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है थ्योरम को सॉल्व करने के लिए। जो हमारा प्रूफ टाइप क्वेश्चन रहता है उसको सॉल्व करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस जानना जरूरी है। तो देखिए, मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस लिख रहा हूँ यहाँ पे। ए लेटिस एल लेस देन इक्वल टू इज सेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एल देन ए जॉइन बी मीट सी इक्वल टू ए जॉइन बी, यहाँ जॉइन का साइन है, ए जॉइन बी जॉइन ए जॉइन सी also a meet b join c equal to a meet b join a meet c। देखिए, एक लेटिस को डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस कब बोला जाता है, मैंने यहां पे पूरा डेफिनेशन लिखा। एक लेटिस को डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस कब बोला जाता है, तो देखिए, ए लेटिस एल लेस देन इक्वल टू इज सेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस फॉर ऑल ए बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एल देन ए जॉइन बी मीट सी, बी मीट सी इक्वल टू ए जॉइन बी जॉइन ए जॉइन सी। देखिए, एक लेटिस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस तब बोलते हैं अगर, देखिए यहाँ पे ये लिखा है फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एल, ये ए बी सी हमारा लेटिस से बिलोंग करेगा। और देखिए, ए जॉइन बी मीट सी इक्वल टू क्या होता है, देखिए ए जॉइन बी, देखिए ए जॉइन बी फिर जॉइन, यहाँ पे मीट है तो फिर जॉइन होगा, और ए जॉइन सी, ए जॉइन सी ऑल्सो ए मीट बी जॉइन सी इक्वल टू होता है ए मीट बी जॉइन ए मीट सी। अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम लेटिस, जो हमारा जो लेटिस है एल लेस देन इक्वल टू, ये एक्चुअल में ये लेस देन इक्वल टू नहीं है, ये एक रिलेशन है। तो ये जो लेटिस है हमारा, इस लेटिस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस कहेंगे। देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, अगर आपका एग्जाम में डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस पूछा जाता है तो आप इसी डेफिनेशन को लिख कर आएंगे, क्योंकि मैंने एक प्रोफेसर से यह डेफिनेशन पढ़ा था और ये डेफिनेशन मैंने भी लिखा था अपने एग्जाम में, बुलियन अलजेब्रा के एग्जाम में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस का डेफिनेशन ऐसा होता है, और इस डेफिनेशन को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस पर बेस्ड बहुत सारे जो प्रूफ टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो इस डेफिनेशन पर बेस्ड होते हैं, और उसको सॉल्व हम लोग कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस के जरिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।